सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक चैनल। माय सेल्फ रतन तिवारी। दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज ओपन होना स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जो लोग एडमिशन ले चुके हैं उनको कौन सा कोर्सेज जो है पढ़ना होगा। दोस्तों कुछ बच्चे परेशान हैं कौन सा कोर्सेज उनको पढ़ना है, तो उसी बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। दोस्तों जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ कोर्सेज जो है ऐड कर दिए हैं, पहले की अपेक्षा कुछ कोर्सेज एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, उनके बारे में बात किया जाएगा। दोस्तों अगर बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो आपने जैसे BSc ऑनर फिजिक्स या BA प्रोग्राम या किसी भी सब्जेक्ट में आपने एडमिशन लिया है, तो उसमें आपको क्या कोर्सेज जो है पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों अगर बात करते हैं कोर्सेज की, तो आपको DSc 1 2 3, GAEC, VAC और SAC जो है, ये सारे कोर्सेस आपको पढ़ना होगा। दोस्तों अगर बात करें DSc 1 2 3, दोस्तों DSc 1 2 3 जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, यानी कि DSc। दोस्तों DSc के बारे में बात करें, दोस्तों जैसे आप जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, जैसे दोस्तों DSc 1 2 3 का मतलब, जैसे अगर मान लीजिए आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, हिस्ट्री में NCERT, मॉडर्न मेडिवल, ये तीन सब्जेक्ट अलग अलग, हिस्ट्री में तीन सब्जेक्ट जो है अलग अलग तरीके से डिवाइजन है। इसी तरह से आपका कोर सब्जेक्ट जो है तीन सब्जेक्ट अलग अलग तरीके से डिवाइड होगा। दोस्तों ये जो है DSc 1 2 3, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर केमिस्ट्री का देखें, तो जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में डिवाइड होता है, ऐसे ही आपने जो जिस कोर सब्जेक्ट में आपने एडमिशन लिया है उसका जो है DSc 1 2 3 में अलग अलग थ्री कोर्सेज जो है आपको रहेंगे। दोस्तों ये होता है आपका कोर सब्जेक्ट जिसमें आपने एडमिशन लिया है। दोस्तों नेक्स्ट जो है आता है दोस्तों GE जनरल इलेक्टिव। दोस्तों अगर बात करें GE जनरल इलेक्टिव की, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ग्रेजुएशन में। जो आपका मेन सब्जेक्ट है उनसे हट के आप ये सब्जेक्ट GE में आप चूज कर सकते हैं। जैसे आपका जो है कोर्स है दोस्तों BSc ऑनर फिजिक्स, अगर आपने GE में जो है केमिस्ट्री अगर चूज कर लिया, तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में आप केमिस्ट्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी जो है केमिस्ट्री के लिए माना जाएगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेते हैं GE में, तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है पॉलिटिकल साइंस माना जाता है। दोस्तों ये जो है आपके आने वाले समय में अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो जो स्ट्रीम आपने GE में लिया है आप उसको जो है चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये जो है जनरल इलेक्टिव जो है होता है। तो दोस्तों ये है GE जनरल इलेक्टिव। दोस्तों अगर बात करें GE AEC, VAC और SAC, तो ये हर सेमेस्टर में आपको अलग अलग चूज करना होगा। जैसे सेमेस्टर वन में आपका GE अलग होना चाहिए, AEC भी अलग होना चाहिए आपको, AEC भी अलग होना चाहिए आपको, अलग अलग कोर्सेज के लिए चूज करना होगा, सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपको चूज करना होगा। दोस्तों तो दोस्तों ये रहा DSc 1 2 3 और GE, जो कि दोस्तों अगर बात करें GE और DSc 1 2 3, ये आपको पहले भी पढ़ाया जाता था, और जो है इसके आगे वाला जो AEC, VAC और SAC है, ये जो है अब अप्लाई किया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। दोस्तों ये DU में अब जो है कोर्सेस हमारे समय में, जो कि 2022 में अप्लाई किया गया है। तो दोस्तों हमारे समय में 2022 में ये जो कोर्सेज जो है AEC, VAC, SAC, ये जो है अप्लाई किया गया है। दोस्तों अगर बात करें नेक्स्ट कोर्सेज की, तो AEC एडिशनल इन्हेंसमेंट कोर्स, दोस्तों इसमें भी आपको हर सेमेस्टर में अलग अलग कोर्स सब्जेक्ट चूज करना होगा। दोस्तों इसमें लैंग्वेज के कोर्सेज आपको चूज किए जाते हैं, जैसे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लिए हैं तो आप सेकंड में हिंदी ले सकते हैं। दोस्तों ये है जो है आपको एक कोर्स पढ़ना पड़ेगा आप किसी भी है। दोस्तों वहीं बात करें सेकंड कोर्सेज की, तो VAC, दोस्तों ये जो कोर्सेज ऐड किए गए हैं ये वैल्यू ऐड करने के लिए किए हैं। दोस्तों जैसे आपने आपका साइंस स्ट्रीम है, आपने BSc ऑनर फिजिक्स लिया हुआ है, अगर आपने VAC में आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं या कोई और सब्जेक्ट ले सकते हैं। दोस्तों जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट आसमें ले सकते हैं, जैसे या और किसी भी सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा आपके लिए वैल्यू ऐड हो जाएगा इसका, अगर आप इसमें जो है चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका वैल्यू जो है आपके लिए ऐड हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो है कोर्स उसको बात करें SEC, तो SEC जो है दोस्तों स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। दोस्तों अगर बात करें इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो कि स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए इस ये कोर्स लाया गया है। दोस्तों अगर बात करें आपके कोडिंग कल्चर डेवलप करने के लिए, या डिजिटल मार्केटिंग, या आपको आपके अंदर स्किल डेवलप करने के लिए ये कोर्स जो है आया गया है। दोस्तों अगर बात करें प्रत्येक सेमेस्टर की, जैसे सेमेस्टर वन हुआ, तो आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा, जो कि DSc 1 2 3 और GE AEC VAC SAC, ये 7 सब्जेक्ट जो है दोस्तों आपको
प्रत्येक सेमेस्टर में पढ़ना रहेगा। अगर सेकंड सेमेस्टर की बात करें उसमें भी 7 सब्जेक्ट, यानी दोस्तों आपको टोटल 14 सब्जेक्ट जो है प्रत्येक ईयर्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो सब्जेक्ट हैं जो कि AEC, VAC, SEC, JEE, ये हर एक सेमेस्टर में आपको अलग अलग कोर्स चूज करना होगा, कोर्सेस आपको पढ़ना होगा आपके सब्जेक्ट में, आपके कोर्सेज में। सो दोस्तों ये रहा जो सब्जेक्ट या कोर्सेज आपको पढ़ना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दोस्तों इस तरीके से आपको अपना कॉलेज मैनेज करना पड़ेगा। दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। और दोस्तों इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। और कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पुट करिए। थैंक यू।